मुंबई में लगे फैशन मेले के डे फोर में क्या क्या रहा खास, आइए डालते हैं एक नजर। लैक्मे फैशन वीक डे फोर। फैशन वीक के चौथे दिन भी फैशन और बॉलीवुड की दुनिया फिर नजर आई साथ साथ। रैंप पर उतरे बॉलीवुड के कई सितारे। शोस्टॉपर बनकर उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल डे के मौके पर शोकेस की लगातार गायब होती जा रही भारत के गांव की कला। डिजाइनर ऋतु कुमार के बेहतरीन कलेक्शन को शोकेस करने के लिए रैंप पर उतरी एक्ट्रेस नरगिस फाकरी। तो वहीं आजकल चोपड़ा खानदान के छोटे जान उदय चोपड़ा के साथ अफेयर की वजह से खबरों में रहने वाली नरगिस से जब उनकी शादी के बारे में पूछा गया सवाल तो वो कुछ यूं बन गई अनजान। तो वहीं ऋतु कुमार के शो के लिए बॉलीवुड से भी कई नाम हुए शामिल, जिनमें ग्रैंड बस्ती की पूरी टीम आई नजर। फैशन वीक के डे फोर बॉलीवुड ब्यूटी जूही भी उतरी रैंप पर। डिजाइनर श्रुति संचेती के लिए इंडियन लुक में जूही ने प्रमोट किया इंडियन वेयर को। मुझे एक्चुअली क्लासिक स्टाइल्स बड़े अच्छे लगते हैं। आई थिंक वुमेन मस्ट लुक प्रिटी, दे मस्ट लुक ब्यूटीफुल, तो मुझे ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं जो आप कहीं जाओ तो खिल के आप उसमें खिलें और लोग देखेंगे ये हाँ बड़ी अच्छी लग रही है, ऐसा जरूर होना चाहिए ऑल द लेडीज। वहीं कई और स्टार्स भी हैं जिन्होंने हमसे शेयर किए अपने इंडियन वेयर टिप्स। मुझे कॉटन के कपड़े बहुत पसंद हैं, मैं बहुत ही देसी लड़की हूँ तो मुझे कॉटन के कपड़े बहुत पसंद हैं और कंफर्ट बहुत बड़ा बहुत मायने रखता है मेरे लिए और थोड़े कवर्ड कपड़े अच्छे लगते हैं मुझको। आई लव द सटल सेक्सीनेस दैट सम ऑफ द इंडियन आउटफिट्स ब्रिंग एंड आई लाइक व्हाटएवर मेक्स यू फील हैप्पी इन मोस्ट योरसेल्फ इन। रैंप पर उतरने वालों की नहीं रही कोई कमी। हाल ही में कॉन्ट्रोवर्सी में घिरी और सलमान की चहेती बनी सना खान भी आई रैंप पर नजर। सना ने यहाँ एक्ट्रेस और डांसर लॉरेन के साथ किया रैंप शेयर। डिजाइनर गोलरांग के देसी अंदाज को सपोर्ट करने रैंप पर उतरी एक्ट्रेस किरण खेर। लाल रंग की प्रिंटेड साड़ी में किरण लग रही थी परफेक्ट इंडियन वुमन। इसके साथ ही फिल्म आशिकी 2 से हर दिल अजीज बने एक्टर आदित्य रॉय कपूर ने रैंप पर पेश किया मेंस वेयर। फैशन की इस चकाचौंध के बीच एक्टर सुनील शेट्टी नजर आए अपनी पत्नी माना के सेव द चिल्ड्रन इंडिया इनिशिएटिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसका कॉन्सेप्ट है डिजाइनर्स के काम ना आने वाले रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करना और इससे आने वाला पैसा काम लाया जाएगा अंडर प्रिविलेज बच्चों और महिलाओं के लिए। इसके साथ ही फैशन वीक में भी दिखा मुंबई गैंगरेप के खिलाफ प्रोटेस्ट। यानी बहुत सारे ग्लिट्स ग्लैमर और कुछ नोबल कॉज के साथ मुंबई फैशन वीक का डे फोर रहा काफी स्पेशल।